बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता क्या है, मार्केट में हमें साइन क्या देता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के बाद मार्केट पंप होती है या फिर डंप। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर और देखें, यहाँ पे मैंने टाइप करा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, तो इन्होंने मुझे काफी पिक्चर यहाँ पे निकाल के दे दी, जिसमें इन्होंने हमें कुछ इस तरह बताया कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, देन मार्केट थोड़ा पंप होती है, देन मार्केट अगेन एक अपना लोअर लो बनाती है, देन अगेन मार्केट ऊपर आती है सपोर्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नेक लाइन, देन मार्केट फिर अगेन नीचे जाती है तो राइट शोल्डर बनाने के लिए और उसका ब्रेकआउट करती है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने हमें इसको ट्रेड करने का एक ही तरीका बताया कि भाई जब इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएगी उसके बाद आपने इसमें एंट्री लेनी है, देन इसको आप ट्रेड करोगे। लेकिन देखो, इसको ट्रेड करने के तीन या चार तरीके हैं, उनको समझने के लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं डेमो चार्ट पे, देन इसकी हम बात करेंगे लाइव चार्ट में। तो देखें, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के लिए सबसे पहले मार्केट एक अपना इस तरह का कुछ मूव करती है, मतलब मार्केट अपना बनाती है एक लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आती है और मार्केट यहां पर बनाती है अपना हेड। तो लेफ्ट शोल्डर हमारा बन चुका है, ये मार्केट ने बना दिया हेड, हेड बनाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आती है और मार्केट ये बनाती है अपना राइट शोल्डर, ये हमारा बन गया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। और देखिए, यहां से हम एक टूल लेंगे, ये हेड एंड शोल्डर टूल है, आप इसको एज इट इज अप्लाई कर दोगे तो देखें ये हमारा लेफ्ट राइट शोल्डर बन चुका है। अगर इस तरह आपकी नेकलाइन नहीं मिल रही तो मतलब ये कि भाई आपका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, आप इसमें स्ट्रोक हो सकते हो। अब देखो, आप ये वाले रीजन पे नोट करना, जब इस तरह ये तीनों पॉइंट इसके मिल जाएंगे ना, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी नेकलाइन कंप्लीट हो चुकी है और इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री के लिए आप क्या करोगे, हेड से लेकर नेकलाइन तक एक विक लोगे, इसको उठा के रखोगे ब्रेकआउट वाली जगह पे और इसके टॉप तक होगा आपका टारगेट। अच्छा, स्टॉप लॉस देखें, वो आपने लगाना है दो सपोर्ट के नीचे, और अगर राइट शोल्डर के नीचे इसके डेली क्लोजिंग क्लोज हो जाएगी तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपका हो जाएगा इनवैलिड। तो अब जरा इसके हम बात करते हैं लेफ्ट चार्ट में। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हमारा बना है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले बनाया अपना एक नॉर्मल मूव, मतलब ये है कि अभी हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट ने बनाया लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद देखें, मार्केट ने यहाँ पे बनाया हेड, ये देखें ये मार्केट ने हेड बनाया और हेड बनाने के बाद देखें मार्केट ने कुछ इस तरह मूव करा और मार्केट ने बना दिया इधर राइट शोल्डर। तो ये हमारा बन गया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अब यहां से हमने टूल लेना है हेड एंड शोल्डर का, इस पर हम इसको एज इट इज अप्लाई करेंगे ताकि ये विजिबल हो जाए और हमें कंफर्म हो भाई जो हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना था उसका जो ब्रेकआउट हुआ वो क्या वैलिड है या नहीं। तो देखें, यहां पे से ब्रेकआउट तो किया लेकिन यहां पे हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिली, ये देखें ब्रेकआउट हुआ लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं मिली, लेकिन इसने हमारे ये देखें टारगेट अचीव कर दिए, एग्जैक्ट पॉइंट पे देखें इसने हमारा टारगेट अचीव करा लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं मिली। और बहुत दफा ये आपके साथ मसला आएगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर कि भाई आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे ब्रेकआउट के बाद, आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री नहीं मिलेगी, डायरेक्ट मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अब देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इसको ट्रेड करने के तीन से चार तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल पे इन्होंने हमें एक ही तरीका बताया कि भाई नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे आपने क्या करना है, भाई थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। अब ये देखो, मैं आपको समझा दूं कि आपने इसमें एंट्री लेनी किस तरह है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे बनाया अपना लेफ्ट शोल्डर, ये मार्केट ने बनाया हेड। अब देखो, जब मार्केट ऊपर हेड बनाने गई ना, हेड कंप्लीट करने गई, तो मार्केट ने क्या करा भाई, यहां पे कर दिया फॉलिंग वेजेस का ब्रेकआउट। ये देखो आप, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मार्केट ने यहां पे अपना एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद देखिए मार्केट ने हेड बनाया, हेड बनाने कंप्लीट करने के लिए जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट कर दिया फॉलिंग वेजेस का। फॉलिंग वेजेस के ब्रेकआउट करने के बाद देखें, जब मार्केट फॉलिंग वेजेस को रिट्रेस करने आई ना, तो यहां पे आप फॉलिंग वेजेस के रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले लोगे, क्योंकि देखो यहां पे आपका ऑलरेडी आपके पास एक बुलिश साइन है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। तो फॉलिंग वेजेस का जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट इसको रिट्रेस करने आएगी, तो यहां पे आप राइट शोल्डर से डायरेक्ट एंट्री लोगे और आप इसको होल्ड करोगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के अपने टारगेट तक। टारगेट कैसे लोगे भाई, हेड से लेके नेक लाइन तक आप एंट्री लोगे, इसको उठा के आप रख दोगे ब्रेकआउट वाली जगह पे, और देखें एग्जैक्ट पॉइंट पर आपका टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पे। अब देखें, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में ट्रेड करने का एक और तरीका है, वो ये है कि भाई अगर इसमें कोई हार्मोनिक बन रहा तो जब भी इसमें आप एंट्री ले सकते हो। अब देखें, यहां पे हमारा बन रहा है अल्टरनेट बेड पैटर्न,
ये देखिए, वैसे जब हम हार्मोनिक पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएंगी। इसका जो पीआरजी होता है हमारे पास वो होता है 1.13 रीजन, यानी कि ये वाला रीजन। अगर इस तरह का आपके पास हार्मोनिक बन रहा है तो भाई जब भी इस पर आप एंट्री ले सकते हो। वैसे तो जब हार्मोनिक बन रहा है तो हम चार्ट पैटर्न को हम फॉलो ही नहीं करते, हम डायरेक्ट अपनी एंट्री लेते हैं हार्मोनिक के ऊपर। लेकिन आप ये देखें, लेफ्ट शोल्डर बन चुका है, जब मार्केट हेड बनाने नीचे गई तो इसने हमें पीआरजी दे दिया हमारे हार्मोनिक वाला, यानी कि अल्टरनेट ब्रेक पैटर्न का। तो जब आप इस यहां से इसको बाय कर सकते थे, लेकिन ये जो आपकी बाइंग है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की नहीं खिलाएगी, एज अ कॉन्फिडेंस आप इसको ले सकते हो। अब इसमें जो तीसरा तरीका है वो भाई हमारा बनता है आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर। सम टाइम होता क्या है कि भाई यहाँ पे हमारी कोई बुलिश डाइवर्जेंस बन जाती है। अगर इस तरह मतलब डाइवर्जेंस बन जाए, कोई हिडन हो, कोई रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हो, तो जब इसमें आप एंट्री ले लोगे, जब मार्केट राइट शोल्डर नीचे बनाने आएगी, मिसाल के तौर पे सपोज यहाँ पे हमारी इसने एक बना दी बुलिश डाइवर्जेंस, हालांकि ये भी डाइवर्जेंस है नहीं, इनवैलिड है ये, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई मार्केट जब इसको रिट्रेस करेगी, मतलब आपकी डाइवर्जेंस कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मार्केट इसको मतलब लेफ्ट अपने राइट शोल्डर को रिट्रेस कर रही है, तो जब आप इसको यहाँ से ऑन द स्पॉट एंट्री लोगे और आप इसको होल्ड करोगे अपने टारगेट्स तक। अब देखें, ये हमारा कितना हेड एंड शोल्डर बना था, इसका मैंने आपको सिग्नल भी दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ये देखें, ये इसने हमारा बनाया था लेफ्ट शोल्डर, ये इसने बनाया हेड, और ये इसने बनाया था राइट शोल्डर। देखें यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया 135 पे, तो 135 पे मैंने आपको सिग्नल दिया था इसका, और इसमें हमारा टारगेट था 149 तक। तो ये देखें एग्जैक्ट पॉइंट पे इसने आपका टारगेट अचीव करा 152 पे, और इसका स्टॉप लॉस में आपको बता देता हूँ और इसके इनवैलिडेशन पॉइंट बता देता हूँ। देखें स्टॉप लॉस के लिए आप क्या करोगे, कुछ इस तरह आप एक ट्रेंड लाइन लगा दोगे, दो सपोर्ट बिलो आप लगाओगे अपना स्टॉप लॉस। मिसाल के तौर पर जैसे इसको मैंने यहाँ से बाय करा, मतलब इसको लॉन्ग पोजिशन मैंने यहाँ से अपनी ओपन करी है, तो अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा भाई, पिछली दो सपोर्ट देखूंगा, उसके नीचे मैं डाल दूंगा अपना स्टॉप लॉस। ये हमारी बनी पहली सपोर्ट, ये हमारी बनी है सेकंड सपोर्ट, तो इससे हम थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो देखो अक्सर क्या होता है, पहली सपोर्ट के ऊपर मार्केट वीक मार्केट हमारे स्टॉप लॉस फिल कर देती है, जिसकी वजह से मैं स्टॉप लॉस लगवाता हूँ दो सपोर्ट के नीचे। और इन केस अगर मार्केट इसका कर दे ब्रेकडाउन और राइट शोल्डर के नीचे दे दे क्लोजिंग, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपका हो जाएगा इनवैलिड। तो ये थी एक हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बात की थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में। अगर मजीद आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।